क्या आपको पता है कि बिजली क्यों कड़कती है? दरअसल ऐसा होता है कि बादलों में नमी होती है। यह नमी बादली बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है, तो घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण चार्ज हो जाते हैं। तो जल कण जो है चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद वो जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके बीच टकराव होते हैं, तो उनके बीच एक बिजली उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। मालूम है कि बिजली गिरती क्यों? आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाए हुए बादलों से टकराते हैं, जिससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती, जो बिजली जो धरती पे गिरती है। आसमान से किसी तरह का काम कंडक्टर ना होने से बिजली पृथ्वी के कंडक्टर की तलाश करती है, जिससे कि नुकसान पहुंच जाता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, बहुत ही जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल बिजली गुजरती है, वह कमांडर का काम करती है। उस टाइम अगर कोई इंसान उस जगह पे होता है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए।